जी हां, हमें छेड़ना नहीं, हम एक सोए हुए शेर हैं, हमें छेड़ना नहीं। आज करंट अफेयर्स के सेशन में कुछ दिल की भड़ास भी निकालना चाहता हूं, कुछ नए अंदाज में चीजों को रखना चाहता हूं। आप तो सारी बातें पता ही हैं, तो भी आज कुछ नए अंदाज में चलिए उन बातों को एक बार हम फिर से दोहरा लें और साथ में एक चेतावनी हम दे दें, हमें छेड़ना नहीं। तो आइए सेशन को शुरू करने के पहले जो मैसेज मिला हुआ है उसे आप तो जानते ही हैं, तो भी मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा कि भारतीय वायु सेना ने आज तड़के सुबह 3:30 बजे पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैशे मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी शिविर पर हमला किया। जी हां, ये किसी देश पे नहीं है, वहां पे पनप रहे जो आतंकी शिविर है उस पर हमला किया गया है। विदेश सचिव विजय गोखले ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली थी कि जैशे मोहम्मद भारत में और आत्मघाती आतंकी हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था। उन्होंने कहा कि इस कारण यह हमला करना जरूरी था और एकदम सही है, और हम पहली बार नहीं कर रहे हैं, अमेरिका भी नहीं किया, हर देश करता है, हर देश का ये अधिकार है। अगर उसके विरुद्ध कहीं पर कोई शत्रु पनप रहा है तो उसे मार गिराने का अधिकार उस देश को है। भारत ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े प्रशिक्षण केंद्र को नष्ट कर दिया है। जैश ए मोहम्मद के बड़ी संख्या में आतंकवादी प्रशिक्षु, वरिष्ठ कमांडर और जिहादियों का समूह जो फिदाइन हमलों की तैयारी कर रहे थे इस ऑपरेशन में मारे गए। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का करीबी रिश्तेदार मौलाना यूसुफ अजहर उर्फ उस्ताद गौरी बालाकोट में इस प्रशिक्षण केंद्र का नेतृत्व कर रहा था। श्री गोखले ने बताया, जैश ए मोहम्मद ने भारत के कई आतंकी हमले किए हैं। उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविर की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी और वो हमसे उसके बारे में क्या मांग रहे थे, हमें उसके बारे में पुष्टि मांग रहे थे, सबूत मांग रहे थे, और कोई कभी भी इन लोगों ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं किया। विदेश सचिव ने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए सभी उपाय करने के लिए दृढ़ संकल्प है। भारत सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए हर संभव कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए जैश ए मोहम्मद के शिविर को लक्ष्य बनाते हुए ऐतिहासिक असैनिक कार्रवाई की गई है। इस ठिकाने का चयन यह ध्यान में रखकर किया गया है कि आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। और श्री गोखले ने आशा किया है, भारत आशा करता है पाकिस्तान अपने यहां जैश ए मोहम्मद द्वारा संचालित और आतंकी शिविर खत्म करेगा। वो तो नहीं करेगा, लेकिन हमने जो किया है वो काफी जरूरी है। और मैं इन बातों को इसलिए बोल रहा हूं, आप जो पढ़ रहे हैं, आपकी उम्र जो है और मेरी उम्र में बहुत बड़ा एक फर्क है। मैंने उस मजहर को भी देखा है जो आपने सुना है, चलिए उसे भी एक बार देखते हैं। यह है वो तस्वीर 1971 की, 1971 के दिसंबर महीने की, तो पकड़ लीजिए आज से 47 साल पहले की। जी हां, पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के साथ यही पाकिस्तान ने घुटने टेके थे हमारे सामने। उस वक्त ये पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था बांग्लादेश, मुक्ति वाहिनी को पीछे से सपोर्ट देके एक देश को दो टुकड़े में कर दिया गया, क्योंकि उस वक्त भी वहां की राजनीति ही ऐसी है कि भारत के विरुद्ध आवाज उठाकर वो अपने तख्त पे रहना चाहते थे। और आज से भी विषम अवस्था जो है उस वक्त था, क्योंकि पाकिस्तान का उस वक्त जो है
सबसे बड़ा दोस्त अमेरिका हुआ करता था। चीन तो बड़ा ही प्रशंसक था, आज भी है। आज की स्थिति अलग है, आज विश्व के बहुत सारे देश साथ में है हमारे, लेकिन उस वक्त नहीं थे। उस वक्त केवल रशिया हुआ करता था हमारे साथ में, क्योंकि उन दिनों की मैं कोई जो घटना बोल रहा हूं उस वक्त की मेरी याददाश्त के साथ बोल रहा हूं। तब मैं 16 या 17 साल का हुआ करता था या 15 साल का हुआ करता था। तो ये उस वक्त की घटना है जो मेरे मानस पटल पे एकदम भली भांति है, क्योंकि ये देश के साथ जुड़ा हुआ था। और उस वक्त टीवी शायद नहीं आया था, नहीं हम लोग टीवी नहीं देखते थे, न्यूज़पेपर में सारा कुछ पढ़ते थे। तो मैंने इसलिए बोला हमें छेड़ना नहीं, ये तो बंदर की तरह है, आते हैं थोड़ा छेड़ के चले जाते हैं। एक बार छेड़ा तो हमने जब जागा तो इस देश के दो टुकड़े कर दिए, और सही भी था, क्योंकि जो राजनीति की रोटी जो है देशभक्ति और देश को बरगला करके करते हैं उनका तो यही हाल होना चाहिए, जो पाकिस्तान का आज भी हुआ है, पहले भी। ये आज की तो नहीं है आतंक, ये आतंकवाद का एक दूसरा रूप उस वक्त हुआ करता था। जब इनके दो टुकड़े हो गए तब इन्हें लगा कि अब छुटपुट आतंक करेंगे। पहले तो सरेआम सरहद पार करने की कोशिश करते थे, उस वक्त बोला था कि लाहौर से दिल्ली में जाके झंडा फहराएंगे। सारी बातें दरी की दरी रह गई। उस वक्त मानेकशॉ हुआ करते थे जिन्होंने दिखाया कि लड़ाई कैसे होता है। और सबसे बड़ी बात फिर से दोहराता हूं, ना अमेरिका हमारे साथ था ना चीन हमारे साथ था, तो भी उस वक्त हमारी टेक्नोलॉजी भी उतनी नहीं, शार्प नहीं था, तो भी हमारे जवान, हमारी सोच, हमने उन पर काबू करके दिखाया, देश के ही दो टुकड़े कर डाले। आज हो सकता है भावनाओं में बहकर मैं इस क्लास को थोड़ा छोटा ही करूंगा, सोच सकते हो मैंने कुछ भी नहीं किया है आज। तो चलिए कुछ सारे छोटे मोटे सवालों को देख के आज क्षमा कर देना, और साथ ही साथ बोलूंगा सही में आज हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। इसलिए गर्व का दिन है, ये नासूर की तरह जो घाव बने हुए थे उन पर प्रहार जरूरी था और वो प्रहार आज किया गया है। इसलिए सभी सैनिकों को, देश के सभी राजनेता, यहां तक कि अच्छा यह लगता है भारतवर्ष में जब इस तरह की हालात होते हैं विरोधी एक साथ खड़े रहते हैं। उस वक्त कांग्रेस का जमाना था, मुझे याद है बीजेपी साथ में खड़ा था। आज बीजेपी का जमाना है तो कांग्रेस भी साथ में, या सारे विरोधी पार्टी साथ में खड़े हैं। ये हमारे देश की अखंडता का सबसे बड़ा परिचय है। तो चलिए आज क्लास शुरू करते हैं। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय की निगरानी के लिए पाकिस्तान के कितने प्रशासक नियुक्त किए हैं? जी हां, इन्होंने दिखाने के लिए दो प्रशासक किए थे। समझ में इनके चीजों से नहीं आ रहा था कि ये जैश ए मोहम्मद के मुख्यालय को बचाने के लिए किए थे या जैश ए मोहम्मद के गतिविधियों पर नजर डालने के लिए किए थे। ये दो प्रशासक के नाम भी जान लीजिए। ये अब सवाल मैंने देखो ये आएगा या नहीं आएगा पता नहीं मुझे, मुझे आज लिखना है तो मैंने दिया। एक मोहम्मद अली थे और एक गुलाम अब्बास थे। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर 2019 किस गीत ने जीता? ये शालो ने जीता। ये जो फिल्म थी ए स्टार इज बॉर्न, उसके गीत जो शालो के सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में ऑस्कर 2019 जीता है। गाने का संगीत और बोल जो है लेडी गागा, एंथोनी रोसोमांडो और एंड्रयू वाट ने दिया है। अब चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तात्याना बकलचुक जो वाइल्ड बेरीज की फाउंडर है किस देश की दूसरी महिला अरबपति बन गई है? जी हां, ये ऑनलाइन कंपनी है वाइल्ड बेरीज जो रशिया में चलती है, रूस में, और ये रूस की जो है दूसरी अरबपति महिला बनी है। ऑनलाइन रिटेल कंपनी वाइल्ड बेरीज
के सीओ तात्याना वकलचुक रूस की दूसरी महिला अरबपति बन गई। कंपनी की संपत्ति जो है $1 अरब हो चुका है। अब अगले न्यूज पे चलते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2019 में किस फिल्म को बेस्ट अवार्ड मिला? तो जी हां, यह है ग्रीन बुक। ग्रीन बुक को जो है इस बार बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला हुआ है। अब आते हैं कल के सवाल पे। कल के सवाल पे दो तीन जन को छोड़ के सबने सही जवाब दिया, श्रीलंका क्रिकेट टीम। सबको मैं धन्यवाद देता हूं। बने एशिया की पहली क्रिकेट टीम बनी जिसने दक्षिण अफ्रीका को सीरीज टेस्ट सीरीज में हराया। अब आज का सवाल है, हाल ही में किस अभिनेत्री को स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? मैं जानता हूं इस सवाल का जवाब आप बड़े प्यार से अवश्य दे पाएंगे। आज का मैंने शुरुआत कुछ दूसरा किया। एक भारतवासी के होने के नाते आपके भी दिल में जितना है, बुढ़ा हो गया हूं दोस्त लेकिन दिल तो जवान है, कितना सहन करे इंसान, बस यही बोलना है। अब भारतवासियों को छेड़ना नहीं। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप लोगों ने समय दिया इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय, जय हिंद।